आज फर्स्ट हाफ में हमने देखा कि एनसी हैज इलेक्टेड उमर साहब एज द लेजिस्लेटिव लीडर एंड द चीफ मिनिस्टर, सो वी कॉन्ग्रेचुलेट देम, मैं उनको मुबारकबाद करती हूँ. और हमने देखा एनसी की 70s के बाद, राइट, 1979 इलेक्शन में इतनी भारी अक्सरियत से उनकी सरकार बनी. तो मेरा उमर साहब से सवाल है कि आपकी इतनी जो भारी अक्सरियत आई है, क्या वो गुंडागर्दी करने के लिए आई है, तबाही मचाने के लिए आई है? 3 दिन से मुझे लगातार कंप्लेंट्स आ रही हैं, जो हमारे बिजबिहाड़ा में वर्कर्स हैं, वो खिरम में हो, दक्षिणीपुरा में हो, वागामा में हो, और आप यकीन नहीं करेंगे जो वहाँ के इलेक्टेड एमएलए हैं वो कितनी गुंडागर्दी कर रहे हैं. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ. हमारे जो पीडीपी के वर्कर्स हैं, उनके घर की जो दीवारें हैं उनको पत्थर से तोड़ा जा रहा है. जो उनका लाइफ स्टॉक है, कल मैंने एक वीडियो डाला था, आपने ट्विटर पर भी देखा होगा, एक काउ शेड है वाघामा में, वहाँ पे आग लगाई है. अच्छा, जो इनकी बकरियाँ हैं, गायें हैं, उनको चुराया जा रहा है. जब नमाज हो रही है, अजान हो रही है, तो तब ये पटाखे छोड़ रहे हैं. चलिए, आपको हमें गाली गलौज देना है, महबूबा जी मुझे सड़कों पे गाली गलौज कर रहे हैं बिजबिहाड़ा के एनसी वर्कर्स, हमें गालियाँ दीजिए, मगर आप मेरे वर्कर को छुएंगे नहीं. अगर आपने मेरे वर्कर को हाथ भी लगाया तो सीधे आपकी तहकीकात होगी एंड वील मेक श्योर कि आपके अगेंस्ट FIR लॉज हो. और मैं यहाँ के MLA से पूछना चाहती हूँ कि आप आए, आपने 4 इलेक्शंस हारे, आपको मुबारकबाद है. हमने बिजबिहाड़ा में 4 बार कंजेकेटिवली जीता. वीरी साहब ने जीता, महबूबा जी ने जीता. मैं जो नए MLA हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपने इसलिए जीता ताकि आप वहाँ पे तबाही मचाएं, गुंडागर्दी करें, वैंडलिज्म करें, आर्सन करें. और जब पुलिस ने न्यूली MLA से पूछा कि आप अपने वर्कर्स को, NC वर्कर्स कारकुन को कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ये कहते हैं कि मैं क्या करूं, ये मुबारकबाद करना चाहते हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, आई कांट कंट्रोल देम. तो मुझे बताइए MLA साहब, अगर आप अपने वर्कर्स की गुंडागर्दी कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप कौन से MLA हैं कि आप PDP के वर्कर्स को बाकी जमात के वर्कर्स की पिटाई करें? हु गिव्स यू द राइट? और मैं इसमें पुलिस और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उनका शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि उनने बहुत प्रॉम्प्टली, खासतौर से जो SSP साहब हैं, उनके नोटिस में जब मैंने ये बातें लाई, इमीडिएटली ही एड्रेस्ड इट. सो आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू देम. और मैं मुबारकबाद देती हूँ NC को. आई एम नॉट अ सोर लूज़र. मैं 2 दिन बाद इसलिए रिएक्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि ये हमारे घर जला रहे हैं, यहाँ अजान जब हो रही है यहाँ पटाखे छोड़े जा रहे हैं, ये मिसबिहेव कर रहे हैं. मेरे कुछ वर्कर्स हैं जिनके दांत तोड़े गए हैं. तो अगर हमारे नए MLA बिजबिहाड़ा के 2 दिन में ये कर रहे हैं, तो मुझे तो डर लग रहा है कि 5 साल में वो क्या गुंडागर्दी करेंगे. एंड ये बहुत अफसोस की बात है कि जब NC भारी अक्सरियत से आई इतने सालों बाद, तो वो वही कर रही है जो 40 साल पहले करती थी, विच इज़ गुंडागर्दी, हुलिगनिज्म, पकड़ धकड़ का माहौल जो हम यहाँ कहते थे वो अब स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैं इलेक्शन हारी होंगी, लेकिन मैं मैदान नहीं छोड़ूंगी. और आपका ये जो गुंडागर्दी का कल्चर है, आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ यू टू गेट अवे विद इट. और मैं, हमारे जो वर्कर्स हैं बिजबिहाड़ा के, मैं कान पकड़ के उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ. मैं जानती हूँ आपने कितने मुश्किल माहौल में मेरे साथ कैंपेनिंग की, मेरे लिए कैंपेनिंग की. मैंने आपको शुरू से कहा आपकी बेटी, आपकी बहन हमेशा हाजिर है. मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ. आप लोगों की पिटाई की जा रही है, हमारी माओं बहनों के साथ NC के वर्कर्स बदतमीज़ी कर रहे हैं, गाली गलौच कर रहे हैं, बेतुकी बातें कर रहे हैं. आपको महबूबा जी मुझे गालियाँ देनी है, दीजिए. मेरा बहुत बड़ा ये दिल है, आई विल नॉट माइंड. मेरा, कहते हैं ना, मेरी बहुत मोटी चमड़ी है, आई कैन टेक इट. बट अगर आपने मेरे वर्कर्स को छुआ, आई विल नॉट टॉलरेट इट. और अगर ये चलता गया तो मुझे बिजबिहाड़ा जाके आई हैव टू टेक मैटर्स इनटू माय हैंड. आई डोंट वांट टू डू दैट. एंड अगेन आई लाइक टू कमेंड द पुलिस, उनने प्रॉम्प्टली हमारी कंप्लेंट्स ली, कुछ FIRs रजिस्टर भी हुई हैं. और मैं NC के वर्कर्स को वार्न करती हूँ कि वो ये गुंडागर्दी बंद करें, चाहे वो कुलगाम में हो जहाँ जमात के वर्कर्स की पिटाई की जा रही है, जमात वालों के घर के शीशे तोड़े जा रहे हैं CPIM NC वर्कर्स कर रहे हैं, और DH पोरा में जहाँ फिर से NC ये गुंडागर्दी का माहौल कर रही है. लोगों ने आपको भारी अक्सरियत से ज़रूर लाया हो, लेकिन आप गुंडागर्दी बंद करिए, अदरवाइज वी विल टेक यू टू टास्क. आई विल टेक यू टू टास्क. थैंक यू. एंड वी मस्ट गिव देम सम टाइम. अभी वो इलेक्ट हुए हैं, सो वी विल वेट. लेकिन आज की जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो NC के गुंडा राज के बारे में है, कि कैसे जब उनकी पहले मेजॉरिटी आती थी यहाँ
उनके जो बड़े बड़े लीडर्स थे जिनको वो शेर कश्मीर कहते हैं, उनने यहाँ ऑपोजिशन फ्लरिश नहीं होने दी। आज जो पीडीपी ने इनकी पीठ तोड़ी, मैं इनको कहना चाहती हूँ पीडीपी इज डाउन बट वी आर नॉट आउट एंड वी विल नॉट टॉलरेट दिस डिसरिस्पेक्ट। थैंक यू। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे वर्कर्स के बारे में है, बिकॉज 3 दिन से उनकी बहुत पिटाई हो रही है,